रादौर से गुजर रहे सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग की लंबे समय से खस्ता हाल स्थिति के बाद अब इस मार्ग पर कामकाज करने वाले दुकानदारों का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को रादौर के भूखा चौक के दुकानदारों ने रोष स्वरूप दुकानें बंद कर हाईवे किनारे धरना दिया। हालांकि दुकानदारों ने रोड जाम करने की कोशिश की थी, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा दुकानदारों की बातचीत प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद दुकानदारों ने हाईवे किनारे धरना दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन नवीन खत्री ने इस सड़क मार्ग का प्रपोजल सरकार के पास भेजे जाने की बात कही, जिस पर दुकानदारों ने प्रशासन को एक सप्ताह तक सड़क निर्माण शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। स्थानीय दुकानदार अमित काम्बोज ने बताया कि यह सड़क कई विभागों की आपसी खींचतान के बीच फंस कर रह गई है। उन्होंने बताया कि आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस सड़क मार्ग का प्रपोजल सरकार के पास भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तब तक सुबह शाम विभाग द्वारा इस सड़क मार्ग पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। वहीं उन्होंने एक सप्ताह तक कार्य शुरू न किए जाने पर फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। सड़क है ना, ये डिपार्टमेंटों की नुरा कुश्ती फंस गई। अभी जो सड़क वाला महकमा पीडब्ल्यूडी विभाग है वो दूसरे महकमे पे इसकी जिम्मेदारी दे रहा, वो कह रहे अभी अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया, जैसे ही ऊपर से मंजूर होगा हम ये सड़क बनवा के दे देंगे। फिर महकमे की तरफ से ये बात आई कि इस सड़क के ऊपर ओवरलोड जाते हैं, उसकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये तो सड़क मुझे ऐसा लग रही है कई डिपार्टमेंटों के बीच में जाना फंस के रहेगी। और अभी इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमने ये डिपार्टमेंट को अपने अप्रूवल के लिए भेज दी, और जो है ना हम इसके बाद जैसी अप्रूवल होगी तो इतना तक हम यहाँ नियमित सुबह और शाम तीनों टाइम हम यहाँ पानी छिड़काव की व्यवस्था करेंगे और इस सड़क को भी हम जल्द बनवाने का काम करेंगे। अभी हम इनको एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे कि एक हफ्ते के अंदर दोबारा ये इस सड़क के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई काम अगर नहीं शुरू होया तो हम भी यहीं हैं, सड़क भी यहीं है, हम दोबारा रोड जाम करेंगे और दोबारा यहाँ से इस प्रकार आंदोलन होगा। अब की बार तो हमने आंदोलन छोटा किया, फिर हम इसको बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। वहीं मौके पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के एक्सीएन नवीन खत्री ने बताया कि 29 जुलाई को सरकार के पास इस सड़क को कंक्रीट की बनाने संबंधी प्रपोजल भेजा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि ओवरलोड के कारण क्षेत्र की सड़कें टूट रही हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि विभाग की सड़कें ओवरलोड के कारण टूट रही हैं तो अब तक विभाग ने कितनी FIR ओवरलोड के खिलाफ करवाई हैं, जिस पर वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। हमारे PWD विभाग की ओर से सरकार को इसका एक UO भेजा गया है कि इसको कंक्रीट की बनाने की आवश्यकता है, काली सड़क यहाँ चल नहीं सकती, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जैसे ही सरकार से मंजूरी बजट पास होगा इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। ये आपका पीछे रादौर जहाँ से शुरू होता 4 लेन और जहाँ 4 लेन खत्म होता वहाँ इसमें फुटपाथ का भी लिया है और नाले का भी हम सरकार को करेंगे रिक्वेस्ट कि इसमें नाला भी अप्रूव किया जाए। वो आप इन्हीं से पूछिए यहाँ ओवरलोडिंग चलती है या नहीं चलती। सर आपने कितने FIR कराई है क्योंकि सड़कें आपकी टूट रही है अभी तक ओवरलोडिंग के खिलाफ कोई FIR नहीं, हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं है। RTO की ड्यूटी है, RTO चेक करेगा कि किसकी ओवरलोडिंग है किसकी नहीं है। मैं क्या गाड़ी चेक नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल जी, वो ड्यूटी सरकार ने RTO की लगा रखी है ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने की। दुकानदारों के धरना प्रदर्शन के बाद स्थानीय कांग्रेस विधायक VL सैनी के पुत्र विशाल सैनी भी मौके पर पहुंचे और कहा कि आज इस सड़क के मुद्दे को लेकर विधायक की CM के साथ मुलाकात है, उसके बाद जो भी फैसला आएगा तो वह हर तरह से दुकानदारों के साथ हैं। आज फिर जैसे दुकानदार सब ने जो है रोष प्रदर्शन करने यहाँ इकट्ठा हुए, हम इन दुकानदारों के साथ हैं। आज 1:30 बजे का टाइम CM साहब ने दिया है, इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस सड़क का काम कब शुरू होगा कब नहीं होगा। उसके बाद जैसे भी दुकानदार सलाह करेंगे आपस में कि हम भाई आश्वासन जैसा भी इनको लगेगा हम उनके साथ हैं, अगर वो कहेंगे रोड जाऊंगा हम तब भी उनके साथ हैं, अगर यहाँ धरने में बैठना पड़े तब भी उनके साथ हैं। बता दें कि सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग को 4 लेन करने का मुद्दा चुनाव के समय में राजनीतिक दलों के लिए वोट बटोरने का एक अच्छा माध्यम रहा है। कई नेता और पार्टियां इस मार्ग को 4 लेन बनाने की घोषणा कर सत्ता व पद पर काबिज हो गए, लेकिन उसके बाद इस सड़क मार्ग को 4 लेन तो दूर, सड़क की खस्ताहाल स्थिति को सुधारने की दिशा में भी कोई कार्य नहीं किया जाता, जिसके बाद फिर वाहन चालकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी समस्या झेलनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम।